हरिद्वार मेला में बेवा रुदल बादल फाड़ दिया है और मोहम्मद ने जीवन गुजार दिया है। क्या हवा से तुम्हें पता नहीं है, आज भी लगता है कि मजाक कर रहे हैं। तो कैसन जुलम आए मामा जी कर दी हलन भाई जोर दलने हाथ जुला के बात है मामा जी आप तू कही के दे दी सुनाई आज कैसन जुलम मामा जी कैसा जुलम गुजार दिया हरिद्वार में जो आज जुलम की बात बताने से संकोच करते हैं। बात क्या है मामा से? भगना तुम्हें जानकारी नहीं है, मेला में ले जाने का षड्यंत्र देवा और रुदल का था। तुम्हारा बेटा इंदल को ऊद चढ़ाया रुदल देवा, तब मेरा ले गया। तुम्हें पता इस बात को नहीं है, मैं इस बात को मेला में गया तब मेला में इस रहस्य को मैं जाना हूं। क्या किस लिए ले गया था? किस लिए जानते हो किस लिए ले गया था? जे बताइए। सुनो भगन सुनल मंडली के सरदार जब कोई चढ़ा गई भगना माता गंगिया में खसिया पठिया और सब कोई चढ़ा गई भगना माता गंगिया में खसिया रे पठिया रुदल चढ़ा दल कई तेरा बेटा इंदल के हो बलिदान। क्या मामा सुने बाबा ने? अरे रुदल देवा मिल के इंदल के दिल के माता गंगिया में भेंट हो जाए सबको चढ़ा पाई पठिया सब कोई माता गंगा में खस्सी पाठी भेड़ बकला चाह रहा था, लेकिन तेरा भाई ने दही पापी इंदल को माता गंगा में भेंट चढ़ा दिया। क्या मामा से लिया नाम सनाप रखते जा रहे? नाम सनाप नहीं भगने, मैं सच कह रहा हूँ। तुम अपनी आंखों से नहीं देखा है इसीलिए तुम्हें लगता होगा कि मामा क्या नाम सनाप बक रहे। जानते हो गंगा में स्नान कराया इंदल को, फूल माला गले में डालकर उस पर तेगा चला रहा था। तो तेरा बेटा इंदल दारू में दारू रोता था कि चाचा जी ऐसा गलती मत कीजिए, लेकिन दही पापी रुदल ऐसा तलवार मारा गंगा की बीच जल में धड़ अलग सिर अलग फिर चढ़ा दिया। पाप निर्दय तेरा दुश्मन है, तुम इस बात को नहीं जानता। मैं समझ गया कि आज राज महुआ आपको आने का कारण क्या है। ये बताने के लिए आया है? हाँ यही बताने के लिए आया है। आप सब दिन तुकरला है मामा जी आप चुगली के कमामा आज किले किले छतरा है मामा जी आप घूमी घूमी दे लहू जी लगाई कैलाश
मामा श्री ऐसा कहा गया है कि चुगला चुतिया कभी न चुके चाहे चुक जाए संचार। आप हमेशा भावलो किला में घूम घूम कर लड़ाई लगाते फिरते रहते हैं। आज वही बात सोचकर राजमहुआ में आए भाई भाई में लड़ाई लगाने के लिए। भगना अल्लाह साधार तुम बहुत भोले हो, यही ना कि तू अपनी आंखों से नहीं देखा है तो लगता होगा तुम्हें कि मेरा बेटा इंदल जीवित है, जीवित नहीं है। नहीं मामा श्री, आप नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। आप हमें समझाते हैं। क्या जानता है? इतना कस के डांटा होता बुढ़ारी का शरीर है नुक्के फटे हुए। तुम क्या जानते हो? तुम देखा है अपनी आंखों से मिला? नहीं मामा श्री। तुम क्या जानता है? आप तो भाई मामा जी एक बेटा इंदल है। आप दुई को तफाई बाम मामा जी एक कपे पता इंदल है। आई चला गलती आलू जल भाई संधा में कल थमई जी हम आज आई चला गलती आलू जल भाई संधा में कल थमई जी हम आज दुई जल भाई भाई में एक बेटा इंदल है और उस बेटा इंदल को क्या ले जाकर हरिद्वार में बलिदान दे सकता है? नहीं आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि हमारा बेटा इंदल को भाई रुदल कलेजे की टुकड़ी के समान मानता है। क्या उस कलेजे की टुकड़ी को बाहर कर सकता है? नहीं, ऐसा कमी नहीं कर सकता है हमारा भाई रुदल। भगना अल्लाह सरदार तुम बहुत भोले हो। जानता है, मैं भी जानता हूं कि बहुत प्यार से पाला है रुदल इंदल को। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। किस लिए जानते हो? किस लिए? जैसे कोई किसान मजदूर बकरी पालते हैं, बकरी बच्चा देता है, बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से चारा देते हैं, खिलाते हैं, चाहे तो एक ही कसाई की हाथों बेच देते हैं, नहीं तो खुद उसे काट देते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे साथ हुआ है, तुम नहीं जानता था। रुदल इस दुलार प्यार से इसी दिन के पाला था और जाके गंगा में बलिदान दे दिया है। समझा? नहीं मामा श्री। अल्लाह समझने वाला नहीं है, लेकिन रुदल इंदल तो लाए। मामा श्री, क्या अगर आपको बात को सच निकला तो आप जानते हैं कि मैं भाई रुदल को राजमहल में बलिदान चढ़ा दूंगा, क्योंकि उसने हमसे वादा करके किया है कि जिस तरह से राजमहल से हरिद्वार बेटा इंदल को लेके जाता हो उसी तरह खुशी खुशी राजमहल को लाऊंगा। अगर ये बात सही निकला मामा श्री तो मैं भाई रुदल को बलिदान दे सकता हूँ, अगर ये बात झूठा निकला तो आपको बलिदान चढ़ा दूंगा मामा श्री। रुदल सरकार विश्वास तुम्हें नहीं होता होगा, रुदल हरिद्वार मेला से आता नहीं था। कैसे मैं फुसला कर लाया हूँ जो बगीचा तक आया हुआ है और वहां से न डेवा आ रहा है न रुदल आ रहा है, लेकिन कहां जाएगा, आता ही होगा। पूछ लेना इंदल को, मांग लेना क्या कहता है। ठीक है मामा श्री, अगर भाई रुदल हमें बेटा इंदल को लाकर नहीं दिया तब मैं मानूंगा आपको बात को सच है।
अगर उसने ला कर दिया तो आपको राजुड़िया तक जाकर मुड़ी काट के रख देंगे। ठीक है भगना, मैं चलता हूँ। मेरी बात को बातों पर तो तुम्हें विश्वास होगा नहीं, मैं जानता हूँ इस बात को। पहले जानता था कि मामा पर भरोसा अल्लाह को नहीं। ठीक है, मैं रुदल को इंतजार करता हूँ कि आखिर उसने हमारे बेटा इंदल को लेके आता है या नहीं लेके आता है। ठीक है, मैं चलता हूँ राजुड़िया, बहुत काम पड़ा हुआ है मेरा। लेकिन पहले से घूम कर आ गए भाई देवा। जी सरदार। अरे भाई रुदल को नहीं देख रहा हूँ तो भाई देवा भाई देवा आप हाल सुनाता भाई देवा। अरे द्वार मेला से आए हो और तुम इस तरह से मुंह लटकाए हो, अरे हाल समाचार बताओ। अरे द्वार मेला कैसा लगा था? और भाई रुदल कहाँ रह गया और बेटा इधर कहाँ रह गया? सुनिए भैया जी, कैसा जुलम गुजर गया, कैसा प्रलय हो गया, कैसा अत्याचार भगवान करते, जो बात को साफ साफ बताओ भाई देवा। सुनिए भैया जी, आज भाली दिया थे
मेला में सभी राजा को तंबू अचानक उड़ने लगा और हमारा भी तंबू हुआ। उसमें बेटा इंदल भुला गया भैया। कहते कि हरिद्वार मेला में आधे तो था ना, उसी में बेटा इंदल उड़ के चला गया। हाँ भैया, ये बताओ कि तुम लोग क्यों नहीं उड़ के चला गया रे? हमारे हरिद्वार मेला में आधी तूफान आया था क्या बेटा इंदल के लिए? तुम लोग के लिए नहीं आया था? मैं समझ गया कि मामा महेश सरदार का बात बिल्कुल सच है। क्या कहे मामा? तुम झूठ बनाते हो। मामा सरदार ने बोल के कहे तुम लोग राय विचार करके ले गया है बेटा इंदल को हरिद्वार मेला, ले जाकर गंगा महारानी को तुम दोनों ने भेंट चढ़ा दिया है और यहाँ बहाना बनाते हो क्या? भी तूफान में बेटा इंदल खो गया? नहीं भैया जी, दोनों मिलकर बलि चढ़ा दिया। नहीं भैया जी, ऐसा गलत काम हम लोग करने वाला नहीं। गलत नहीं किया है, कहते दोनों भाई में एक बेटा इंदल है। अगर ये बात तुमने सोचा होता तो आज हमारा बेटा इंदल तुम्हारे साथ आता, ये नहीं होता कि हरिद्वार मेला में बेटा इंदल खो जाता। अरे देवा भैया जी, हाय कितना मन झाके भाई देवा भेजनी हली हरिद्वार में साधवन छोड़िया बेटा हमारे इंदल के जी हरिद्वार आप कितना मन झाके समझा के भेजा था कि साथ साथ में बेटा इंदल को रखना, अपने से दूर कभी जाने मत देना। और आप कहते हो कि बेटा इंदल हरिद्वार मेला में खो गया, खो गया। हाँ, ये बताओ कि इस समय रुदन रहा तो कहा रहा और तुम्हें यहां पर भेजे है? तुम्हें यहां पर बहाना बनाने के लिए भेजा है भाई देवा? बार बार के तेरा खाल खेतूंगा। तुम्हें कहा था कि अगर बेटा इंदल को कुछ हो गया तो तुम्हारा राजभवन में खैर नहीं होगा।
के बाप तो वह सिखाते हो हमारा गए तो कहा गया। अरे बताओ किस समय रुदल रहा तो कहा रहा, तो जाओ से रुदल के लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा मार मार कर खा करूंगा। इस समय अपना बगीचा में है, तो उस बगीचा में भाई का कोई हिम्मत नहीं है कि आप से आकर रात को हम बात करेगा। आप कहते हैं मामा को बाद में ये बलिदान चढ़ा दिया हूं दोनों भाई मिलकर। हाँ चढ़ा रहा है। नहीं भैया, अरे तो जाओ इस समय जाओ कर हमारे भाई रुदल के लेके आओ, और नहीं तो तुम्हारा खाल खेते मार मार के नहीं लगे।